केरल में मानसून अपनी सामान्य तारीख से 3 दिन पहले ही पहुंच गया है। मानसून के पहुंचने की यह खबर देश भर के लिए अहम है। रविवार को मानसून की शुरुआत की घोषणा की गई क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल थीं। बदल रहे मौसम की वजह से राजधानी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भाग में अगले 5 दिन तक लू से राहत मिलेगी। वहीं उत्तराखंड में कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इससे पहले अधिकतम तापमान फिर से बढ़ गया था। शनिवार को दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि दिल्ली के अन्य स्टेशनों पर अधिकतम तापमान मयूर विहार में 38.9 डिग्री सेल्सियस और पीतमपुरा में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली में फिलहाल बादलों की आंख मिचौली जारी रहेगी। मौसम विभाग ने यहां हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। IMD ने आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। IMD ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। वहीं IMD ने आज उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलरामपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, चित्रकूट, रायबरेली, अमेठी और बांदा में हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं आज बिहार के 24 जिलों में बारिश होने की संभावना है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है बिहार में, उनमें शामिल हैं चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सुपौल, सारण, सीवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में आज भारी बारिश और तेज हवा के चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। IMD ने कहा है कि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, विशेषकर की पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली कड़कने के साथ बारिश होगी। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने रविवार को अगले 24 घंटों के लिए मुख्य रूप से मौसम साफ रहने का अनुमान जताया था, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में आंशिक रूप से बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, वहीं कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान श्रीनगर में 13.7 डिग्री, पहलगाम में 6.7 डिग्री और गुलमर्ग में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लद्दाख क्षेत्र में लेह में न्यूनतम तापमान 8.2, कारगिल में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री, कटरा में 21.8, बटोटे में 15.5 डिग्री, बनिहाल में 13.5 और भद्रवाह में 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं असम में पिछले 6 दिनों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि राज्य के 10 जिलों में 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए, जिनमें नगाव, कछार और मोरीगांव सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।